बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रेसिपी है मसाला कलेजी। शुरू करते हैं। कलेजी को सबसे पहले अदरक लहसुन लगाएं, सिरका लगाएं और एक कप दूध लगाकर इसको अच्छी तरह से मसल के इसको थोड़ी देर के लिए रख दें। फिर इसको खुले पानी से अच्छी तरह से आपने वॉश कर लेना है, इससे सारी कलेजी की स्मेल जो है वो दूर हो जाएगी। दूसरी तरफ हमने एक पतीली लेनी है, उसके अंदर एक कप तेल डाल के एक बड़ा प्याज है उसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है और बाद में उसको ग्राइंड करके उसकी पेस्ट बना लेनी है। जब वो पेस्ट बन जाएगी तो उसके अंदर हमने सारे जो साबुत मसाले होते हैं उसके अंदर ज़ीरा, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च और दालचीनी वगैरह डाल के उसको थोड़ा सा भून लेना है। उसके बाद फिर हमने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। पेस्ट अदरक लहसुन का डाल के इसको भी हमने थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है इसके अंदर, ताकि अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएँ। ये मैं आपको 1 किलो कलेजी जो है मटन की उसकी रेसिपी बता रही हूँ। उसके बाद हमने 3 टमाटर लेने हैं, उसको ग्राइंड करके उसकी पेस्ट बना लेनी है, वो भी हमने इसके अंदर डाल देना है और उसको थोड़ी देर हमने पकाना है ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो सारा खुश्क हो जाए। वीडियो के अंदर जो कलेजी है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो 3 से 4 बकरों की है, लेकिन आपको सारी रेसिपी मैं 1 किलो कलेजी के बराबर बता रही हूँ। जब आपने टमाटर वगैरह का जो मिक्सचर है उसको थोड़ा सा जब आप भून लेंगे, उसके बाद जितनी भी हमने अच्छी तरह से जो धोई हुई कलेजी थी वो सारी हमने इसके अंदर डाल देनी है। इसके अंदर डाल के तो हमने उसको थोड़ा सा मिक्स करना है। ये जो वीडियो में मेरी कलेजी है ये तकरीबन 3 से 4 बकरों की है, लेकिन क्योंकि हर कोई इतनी ज़्यादा नहीं बनाता इसलिए मैं 1 किलो के बराबर आपको सारी तादाद बता रही हूँ। फिर हमने इसके अंदर 1/2 टीस्पून हल्दी डाल ली है। हल्दी डालने के बाद फिर हमने इसके अंदर रेड चिली फ्लेक, जिसे हम दरा मिर्च या फिर कुटी हुई सुर्ख मिर्च कहते हैं, वो 1/2 टीस्पून डालेंगे। फिर हमने इसके अंदर 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, सुर्ख मिर्च का जो पाउडर होता है वो डालना है। ज़ीरा धनिया कुटा हुआ जो होता है वो 1.5 चम्मच हमने इसके अंदर डाल देना है और फिर हमने इसको मिक्स कर लेना है। इसमें गरम मसाला 1/2 टीस्पून डालेंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें चॉप करके या ग्राइंड करके वो हमने इसके अंदर डाल देनी है और इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हमने इसके अंदर 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालनी है। ये इसका मकसद सिर्फ एक अच्छा सा कलर देना होता है हंडिया को, इससे बड़ा अच्छा सा कलर आएगा कलेजियों में। अगर आपके पास है तो आप डाल दें, अगर नहीं है तो कोई ऐसा मसला भी नहीं है। इसके बाद फिर हमने 7 से 8 मिनट तक अपनी इन कलेजियों को, जो हमारी मटन की कलेजियाँ ये, इसको हमने भूनना है कि इसका जो ऑयल है वो ऊपर शाइन करना शुरू हो जाए, बड़ा अच्छा सा इसका मसाला बनना शुरू हो जाएगा। फिर जब इसके ऊपर ऑयल जो है शाइन करना शुरू हो जाएगा, फिर इसके अंदर हमने 1/2 कप दही अच्छी तरह से फेंट के वो डालना है। दही डालने के बाद हम इसको फिर थोड़ा सा भूनेंगे। यहाँ तक हमने जितनी भी अभी रेसिपी मैंने आपको बताई है हमने अभी तक नमक का इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है। फिर इसमें हम थोड़ी सी लंबा सा अदरक और धनिया हरी मिर्चें डाल देंगे, उसको मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर 1/2 कप पानी डालेंगे। 1/2 कप पानी के अंदर हमने 1 टीस्पून नमक का डालना है। पानी के अंदर नमक को मिक्स करके हमने वो पानी इसके अंदर डालना है, नमक अलग से नहीं डालना, ठीक है। पानी 1/2 कप वाटर में 1 टीस्पून नमक डाल के हमने इसके अंदर डालना है, मिक्स करना है और इसको 5 मिनट्स के लिए दम दे देना है। जब हम इसका दम खोलेंगे तो ऑयल इसके ऊपर शाइन कर रहा होगा। फिर हमने इसको गार्निश करना है ग्रीन चिली से, लंबा लंबा अदरक डाल देना है, हरा धनिया डाल देना है। आपकी मर्ज़ी है, इसकी क्वान्टिटी आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से कर लें। ये सारा कुछ डालने के बाद फिर हमने इसके ऊपर 1/2 टीस्पून गर्म मसाला, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून काली मिर्च वो डाल के हमने इसको थोड़ा सा मिक्स करना है। जब दोबारा से इसके ऊपर ऑयल जो है वो शाइन करना शुरू हो जाए तो हमारी ये कलेजियाँ तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार की बनती हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।